नमस्कार, आज हम सभी आपके सामने एक नाटक लेकर आए हैं जिसका नाम है रूह की आवाज़। ये नाटक पुरानी परंपरा पर आधारित है जहां बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता था और उनको जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता था। और आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक बेटी है, क्योंकि वह एक लड़की है। कौन सी सदी में जी रहे हैं हम? हमें आज के समय में भी बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए हर काम में बेटियाँ बेटों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, चाहे वो बात खेल के मैदान की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, या चाहे फिर सिंगिंग की हो। हर जगह बेटियाँ बेटों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। हमारे इस नाटक में भी एक पति और पत्नी अस्पताल से गर्भपात करा के घर को लौटते हैं। तो आइए देखते हैं एक बेटे और उसकी माँ के साथ उसकी क्या बातचीत होती है, हमारे साथ रूह की आवाज़ में। हाँ, आगे दोनों। जी माँ, आगे। मैं कहती थी ना इस कमबख्त को लड़की होगी, पर तू माना नहीं मेरी बात। मैं देखा बड़े बुजुर्गों का अनुभव कितना सही होता है। पहले इसकी जिद की वजह से एक लड़की है, वो भी कितनी जल्दी बड़ी होती जा रही है। माँ आप बस भी करो, आप जब देखो उसको सुनाते रहते हो। हमने आपकी सारी बात मान के देख ली, सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, फिर भी कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अब लड़की पैदा हुई है, इसमें हमारी क्या गलती है? मैं काम पे जाता हूँ, वहाँ पे भी थका हार आता हूँ वहाँ से, और घर में भी क्लेश करते हो आप। अब तो घर में शांति बनाए रखो। हाँ हाँ, अब तो तू अपनी पत्नी के ही बोल बोल लेगा। पता नहीं इसने क्या तेरे को पढ़ा लिखा रखा है। जैसा कि अभी तक आपने देखा, सास अपनी बहू को कितना बुरा भला बोलती है। बहू अपनी सास की बातें सुन के उदास होकर अपने कमरे की ओर जाती है। वह अपने इसी कश्मकश में रहती है कि वह अपने बच्चे कब तक कैसे ही मारती रहेगी। फिर अचानक ही 6 महीने बाद सास की तबीयत काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। खांसी जुकाम में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और उस समय समाज में कोरोना नाम की बीमारी का भी काफ़ी हद तक भय फैला होता है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी हमारे साथ रूह की आवाज़ में। कोई है? मेरी तबीयत खराब हो रही, कोई पानी तो दे दो। ये ले माँ पानी। कोई है? तबीयत कितनी? कोई माजी, क्या हुआ? चलिए माजी उठिए। माजी आपको क्या हुआ? माजी आपको क्या हुआ? ले लीजिए माजी पानी। माजी आपको क्या हुआ? अरे माँ से दूर रहो, आजकल जो समाज में बीमारी फैली हुई है, कहीं वही ना हो माँ को, तुम्हें भी कर देगी, दूर हो जाओ। अरे माँ जी, आपको तो बहुत ही भूख आ रही है, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। अभी मैंने काम पे जाना है, मेरे को लेट हो रहा है। तुम तो काम पे जाओ, माँ जी को मैं खुद हॉस्पिटल ले जाऊंगी। चलिए माँ जी। थोड़ा दूर रहिए, आपको नहीं पता समाज में क्या बीमारी चल रही है, थोड़ी दूरी बना के रखिए। और आपके मास्क कहाँ हैं? यही जो भी है, अपने मुंह ढकिए। मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, तो अच्छे से चेक करके बताइए ना कि उन्हें क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये सारे टेस्ट करा के आप मुझे रिपोर्ट दिखाना। प्रिया, एक ब्लड ब्लड सैंपल और कोरोना टेस्ट कर दीजिए। हाँ जी। माँ जी, आपकी रिपोर्ट तो कोरोना पॉजिटिव आई है।
अब आपको इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इनके आप पहले प्लीज से दूर रहिए। बैठिए माजी, बैठिए। ओ आपको अब इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इनके जो सारे कपड़े बर्तन हैं आपको गर्म पानी से धोने होंगे। इनको भी एक अलग कमरे में रखना होगा और बच्चों को भी इनके पास नहीं जाने देना है और फैमिली मेंबर भी इनसे दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करें और 14 दिन के लिए इन्हें होम क्वारंटाइन रखना होगा और 14 दिन के बाद आपको दोबारा टेस्ट करवाने हैं। और चलिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप ले लीजिए। बहू तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, मुझसे दूरी बना के रह। माँ जी मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। तू मेरे बेटे को फ़ोन लगा दे, उसको ये बात पता चलेगी तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा यहाँ और बहुत रोएगा। हेलो हेलो आंटी, किसने फ़ोन किया? जी वो मैं माँ जी को हॉस्पिटल लेके आई हूँ। मैंने मना किया था ना उस बुढ़िया को अस्पताल नहीं लेके जाना, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे वो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तुम भी माँ जी को भी वहीं रहने दो और तुम भी वहीं रहो, भुगत दो माँ जी के साथ। अरे मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ माँ जी को, मैं उनको घर लेके आ रही हूँ। अगर माँ जी को तुम घर लेके आई ना तो मैं घर वापस आऊंगा नहीं दोबारा। ठीक है, ठीक नहीं हो जाती माँ जी? ठीक है। हेलो, हाँ बेटा। बेटा मैं वो तेरी दादी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी आपस में तेरे घर क्यों नहीं आया, मुझे बहुत ऐसे भूख भी लगी है। बेटा वो तेरी दादी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है ना, तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मम्मी तो क्या हुआ, दादी को कोरोना है, आप दादी को मिल जाओ, हम दादी से बहुत सेवा करेंगे और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि वो मेरी सारी चीजें ले रहे हैं और दादी को जल्दी से ठीक कर देंगे। ठीक है बेटा, एक काम कर, तू ना अपनी दादी का ना बिस्तरा ठीक कर दे, मैं तेरी दादी को लेके आ रही हूँ अभी। ठीक है। दादी ये लो गर्म पानी। मम्मी दादी ये लो मास्क। मम्मी ये लो मास्क, अभी आप मास्क हमेशा लगा के रखना ताकि ये बीमारी ना फैले। दादी आप बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और मम्मी जब भी आपने दादी के पास जाना है हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगा के ही जाना है। और दादी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। लो दादी आप कुछ खा लो। हाय राम, हाय मैं कितनी पापिन थी जो मैं बेटा बेटा करती रही, आखिरकार उसी बेटे ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरी बहू ने ही मेरा इतना साथ दिया मेरी बेटी बनकर, और मेरी पोती ने मेरी इतनी सेवा करी और भगवान से प्रार्थना करी कि मैं ठीक हो जाऊं। हाय मैंने अपनी बहू की भी कितनी बार कोख उजाड़ दी,
भगवान करे अब मेरी बहू को लड़की ही हो। आखिरकार बेटियां ही काम आती हैं, बेटे तो मुंह मोड़ जाते हैं। माँ मैं तेरी बहू को फिर से अस्पताल लेके जा रहा हूँ, वो अब बेड से। रुको रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ, क्या हुआ? मेरे को ऊपर वाला जो देगा मुझे मंजूर है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, सब ऊपर वाले की देन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मुझे सब मंजूर है। बेटियां ही आखिरकार देश का नाम रोशन करती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों ने किस तरह से एक नाटक को आप लोगों के सामने पेश किया, पुरानी परंपराओं से आपको रूबरू कराया। और इस नाटक का हमारा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयर किया जा सके कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़का और लड़की के अंदर भेद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश रही कि हम लोग उन परंपराओं से आप लोगों को रूबरू करा सकें, और जो समाज के अंदर ये कुरीतियाँ चल रही हैं, लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव जो चलाया जा रहा है, इसको ख़त्म करवाया जा सके। देखिए, आज समाज में बहुत सारे कानून ऐसे बन चुके हैं, अगर कल को कहीं आपने कोई अबॉर्शन करवाते हैं या आप लड़की का जो टेस्ट करवाते हैं कि पता करने के लिए कि लड़का है या लड़की है, या आप लोग गर्भपात करवाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर सरकार की बहुत ही कड़ी निगाह रहती है आप लोगों के ऊपर, और ऐसी चीज़ों के लिए सजा के प्रावधान रखे गए हैं। 5 साल तक की सज़ा इसके अंदर उन लोगों को मिल सकती है जो लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, गर्भपात लड़की की वजह से करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि लड़का है या लड़की। 5 साल की सज़ा के साथ उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग पहले ही अवेयर होंगे तो हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज समाज में लड़का हो या लड़की हो, सभी एक समान हैं। बल्कि लड़कियां तो आज के समय में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, उनके मुकाबले अगर हम लड़कों को देखें तो लड़कों का तो जो समाज में चल रहा है सिस्टम वो तो चल ही रहा है, लेकिन लड़कियों ने आज जो देश के नाम रोशन किए हैं, आखिर में माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए लड़कियां ही सबसे आगे आती हैं। लड़के फिर भी माँ बाप से वक्त पड़ने पे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन लड़कियां अपने माँ बाप को पूर्ण सपोर्ट करती हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। और आज लड़कियों की वजह से देश का देखो कितना नाम हो रहा है। अभी हाल ही में कितने सारे मेडल्स ओलंपिक में लड़कियों ने जीते हैं। इसके अलावा कल्पना चावला के नाम से जो अंतरिक्ष मिशन था वो आज भी याद किया जाता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रह के गई, उन्हें भी आज लोग याद करते हैं। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, हमारे लिए एक समान होनी चाहिए। आगे चल के आप लड़कियों को परवरिश अच्छी दीजिए ताकि वो आपकी परवरिश कुछ आपका नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, वो अपनी एक पहचान बना सकें। साथियों, हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा लड़कियों को बढ़ावा दीजिए ताकि उन्हें कुछ करने का मौका मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। और हमारी ये उम्मीद रहेगी आपसे कि हमारा जो ये छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, उस प्रयास से आप लोगों के दिल में कुछ सोच पैदा हुई होगी कि ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करने में आप लोगों के हमें सहयोग की ज़रूरत है। और हमारे लिए छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास बन सकता है अगर हम आपकी सोच को बदल सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।
सकते हैं।